हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद प्रोफेशनल क्लासेस। आई एम ऑडिबल और विजिबल? राइट इन द कमेंट बॉक्स। यस रोशनी, करण, वीवीपी फाइन है? कमेंट बॉक्स में बता दो, चैट बॉक्स में। ओके, थैंक यू रोशनी। तो आज का जो हम टॉपिक डिस्कवर करेंगे यूजीसी नेट का, वो हैगा कॉग्निटिव अपेरेंटेंटशिप थ्योरी। ये हमारे यूजीसी नेट में का न्यू टॉपिक आया है, जो 2023 में काफ़ी सारे पीवाईक्यू में आपको देखने को मिल जाएगा। तो कॉग्निटिव अपेरेंटेंटशिप थ्योरी को इसमें हम डिटेल में डिस्कवर करेंगे आज हम, और इससे रिलेटेड पीवाईक्यूज भी करेंगे कि कैसे इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं इस टॉपिक से और उन्हें कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं। मॉर्निंग में जो क्लास हुई थी हमारी पीवाईक्यू सीरीज़ की, उसमें हमने इससे रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चन देखे थे। उसको आप स्टडी विद प्रोफेशनल क्लासेस देखेंगे, बाय राधा गुप्ता मैम लिखना, पीवाईक्यू का आ जाएगा 6 मार्च 2023 का, शिफ्ट 2 का पीवाईक्यू आज हमने डिटेल में डिस्कवर किया है। ओके, यस रोमा, गुड। रोमा ने वो क्लास देखी थी, उसमें उस क्लास में आपने इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस देखे होंगे जो रिपीट में आए होंगे, अलग अलग शिफ्ट में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आए हैं। तो आज हम इसको डिस्कस करते हैं। ओके, तो शुरू करते हैं। तो जो हमारी थ्योरी है कॉग्निटिव अपेरेंटेंटशिप थ्योरी, संज्ञानात्मक शिक्षुरता, ये क्या होता है अगर हम इसको डिवाइड करके समझें तो। कॉग्निटिव मतलब संज्ञानात्मक, संज्ञानात्मक का मतलब क्या होता है बेसिकली कि थिंकिंग करना। कॉग्निटिव क्या है? कॉग्निटिव एक मेंटल एक्शन होता है जिसमें हम किस रिलेटेड काम करते हैं, मेंटल इवेंट के रिगार्डिंग काम करते हैं। कैसे हमें थिंकिंग करनी है, हमारा प्रोसेस क्या होगा, नॉलेज कैसे एक्वायर करनी है, ये सारे काम हम करते हैं कॉग्निटिव के अंदर आ जाते हैं सारे काम। ओके, यस करण, मेंटल प्रोसेस, मेंटल रिगार्डिंग, कॉग्निटिव में सब आ जाता है। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग भी कॉग्निटिव का पार्ट आ जाता है। और अगर हम बात करें अपेरेंटेंटशिप, तो अपेरेंटेंटशिप का मतलब क्या होता है? जब भी हम कोई चीज़ लर्न करें बट अंडर समवन, किसी के अंडर में हम अगर किसी चीज़ को समझ रहे हैं, ठीक है, या फिर कोई बड़े से किसी से गाइडेंस ले रहे हैं, तो वो सब क्या है? अपेरेंटेंटशिप है। जब भी किसी के अंडर हम किसी स्किल्स को लर्न करेंगे, स्किल्स या कोई मेथड जब हम किसी के अंडर सीखेंगे तो उसे अपेरेंटेंटशिप कहते हैं। एनी डाउट अपेरेंटेंटशिप के मीनिंग में? यस करण, लर्निंग अ स्किल अंडर समवन, यस। अगर हम बात करें कॉग्निटिव अपेरेंटेंटशिप, तो ये आया था 1987 में, कॉलन ब्राउन एंड न्यूमैन ने डेवलप किया था। इसमें 6 टीचिंग मेथड बताए इन्होंने, मॉडलिंग, कोचिंग, स्कैफोल्डिंग, आर्टिकुलेशन, रिफ्लेक्शन एंड एक्सप्लोरेशन। ये सारे मेथड बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, 6 टीचिंग मेथड, क्योंकि इसी से रिलेटेड सीक्वेंस में क्वेश्चन आया था या फिर मैचिंग में रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है कि इन्हें मैच करो इनके कीवर्ड्स के साथ। उसको अभी हम डिटेल में डिस्कवर करेंगे, यस। तो अगर हम बात करें कॉग्निटिव अपेरेंटेंटशिप मेथड में, मॉडल में, तो क्या है ये कि किस तरह से हमें मेटाकॉग्निशन क्या होता है? थिंकिंग बियॉन्ड थिंकिंग। अगर आपने किसी प्रॉब्लम के बारे में सोचा है तो उससे भी डीप में जाकर उस प्रॉब्लम के रिगार्डिंग सोचना, वो कहलाता है हमारा मेटाकॉग्निशन कहलाता है। यस रोशनी, तो मेटाकॉग्निशन स्ट्रैटेजी को यूज़ करना इसलिए ताकि हम नॉलेज को डिस्कवर कर सकें, यही सब हम करते हैं इसमें कॉग्निटिव अपेरेंटेंटशिप मॉडल में। डिस्कवर करते हैं नई नई नॉलेज को थ्रू द मेटाकॉग्निशन स्किल। यहाँ भी देख सकते हैं हम, संज्ञानात्मक मेटाकॉग्निशन रणनीतियों के द्वारा विभिन्न तरह के ज्ञानों का उपयोग करना और ज्ञानों की खोज करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है प्रबंधन करने के लिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो कॉग्निटिव अपेरेंटेंटशिप में कौन कौन सी स्किल इन्वॉल्व होती है? मास्टर टीचिंग स्किल इन्वॉल्व होती है। किसी के अंदर कोई मास्टर है और वो किसी को सिखा रहा है, तो ये क्या हो गया? किसी के अंडर ही तो कोई स्किल सीखी जा रही है ना, तो ये भी कॉग्निटिव अपेरेंटेंटशिप आ गया कि किस तरह से अपनी मेंटल स्किल्स को, मेंटल नॉलेज को ट्रांसफ़र करना है किसी और के माइंड से रिलेटेड, लेकिन वो प्रैक्टिकल्स होनी चाहिए क्योंकि यहाँ स्किल रिगार्डिंग बात होती है, मेटाकॉग्निशन की बात होती है। यस यस रोशनी, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इसके क्या 6 टीचिंग मेथड थे जिससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। तो फर्स्ट हैगा मॉडलिंग, सेकंड हैगा कोचिंग, थर्ड हैगा स्कैफोल्डिंग, फोर्थ है आर्टिकुलेशन,
फिफ्थ है रिफ्लेक्शन एंड सिक्स हैगा एक्सप्लोरेशन। अब हम एक एक करके इसको समझते हैं। तो मॉडलिंग में क्या होता है, मॉडलिंग में जो मेंटोर है वो डेमोंस्ट्रेट करता है अपनी स्किल्स को, जिसके थ्रू हम सीखते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने देखा होगा कि अगर बच्चा कोई डांस सीखता है तो डांस से पहले वो क्या करता है, उसके स्टेप को देखने की कोशिश करता है। जैसे कि हमने प्रीवियस क्लास में बंडूरा थ्योरी को जब हमने किया था तो उसमें भी कुछ ऐसे रिलेटेड स्टेप थे। मॉडलिंग का उसमें भी कॉन्सेप्ट था कि मॉडलिंग में क्या होता है, जो भी डेमोंस्ट्रेट स्किल हो रही है हमारे सामने उसको कैसे हमें कॉपी करना है या कैसे सीखना है, तो वो मॉडलिंग का पार्ट आ जाता है, जहाँ पे मेंटर की हेल्प चाहिए होती है। कोचिंग में क्या होता है, कोचिंग में जब कोई भी डांस वगैरह सीख रहे हैं तो उसके रिगार्डिंग क्या प्रोवाइड किए जाते हैं, फीडबैक प्रोवाइड किए जाते हैं। इसमें फीडबैक का कॉन्सेप्ट आ जाता है कि कोच है वो मेंटोर आपको बता रहा है कि कौन से आपको स्टेप लगाने चाहिए, नहीं करने चाहिए। जहाँ हम डांस का एग्जांपल ले रहे हैं इसलिए हम स्टेप की बात कर रहे हैं। अगर कोचिंग में अगर आप देखते हो डांस सीखने जाते हैं तो डांस के रिगार्डिंग कोई स्टेप होते हैं तो उसके रिगार्डिंग आपको फीडबैक मिलता है ना कि ये स्टेप ऐसे होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। फिर स्कैफोल्डिंग में क्या, स्कैफोल्डिंग में आपको क्या प्रोवाइड की जाती है, हेल्प प्रोवाइड की जाती है। अगर कोई स्टेप आपसे नहीं हो रहा तो मेंटोर क्या करता है, आपको हेल्प प्रोवाइड करता है कि ये स्टेप कैसे किया जाएगा। इसका कीवर्ड हैगा सपोर्ट, सपोर्ट या फिर हेल्प प्रोवाइड करना, ये इसके कीवर्ड आएंगे स्कैफोल्डिंग के। और कोचिंग का कीवर्ड क्या हैगा, फीडबैक। जहाँ भी आपको फीडबैक दिख जाएगा क्वेश्चन में वहाँ कोचिंग आएगा। मॉडलिंग का कीवर्ड क्या हैगा, डेमोंस्ट्रेट द स्किल्स। कोई भी स्किल्स का प्रदर्शन होगा तो वो मॉडलिंग का कीवर्ड हैगा। कोचिंग का कीवर्ड हैगा फीडबैक। स्कैफोल्डिंग का कीवर्ड हैगा हेल्प या फिर सपोर्ट। अब हम आते हैं आर्टिकुलेशन। आर्टिकुलेशन में क्या करते हैं, हम जो भी अब तक हमने सीखा हैगा उसको रिफ्लेक्ट करते हैं अपने बिहेवियर में। फॉर एग्जांपल, अभी हमने डांस सीखा था तो डांस को बिहेव करेंगे हम अपने एक्शंस में, डांस करके दिखाएंगे, ये हो गया आर्टिकुलेशन, कोई भी चीज़ करके दिखाना। रिफ्लेक्शन, अपने अब जो भी हम स्टेप कर रहे थे उसमें हम रिफ्लेक्ट कर रहे हैं जो भी अब तक हमने सीखा था। एक्सप्लोरेशन, कोई भी नया स्टेप अगर हमें आ गया तो मेंटी क्या कर रहा है, वो करके दिखा रहा है। मेंटी कौन, जो सीख रहा था। मेंटोर कौन, जो हेल्प प्रोवाइड कर रहा था। एक्सप्लोरेशन में कुछ नए स्टेप भी ऐड ऑन कर सकते हैं क्योंकि अब तक हम नॉलेज ले रहे थे ना, तो यहाँ पे क्या आ जाता है, न्यू नॉलेज को एक्सप्लोर भी कर रहे हैं हम इसमें, एक्सप्लोरेशन। यस रोशनी वो रिफ्लेक्ट का पार्ट है, जब हम रिफ्लेक्ट कर रहे हैं कोई चीज़, रिफ्लेक्ट द परफॉर्मेंस। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम डांस की बात कर रहे थे तो जब डांस परफॉर्म कर रहे हैं तो वो क्या हो रहा है, रिफ्लेक्ट हो रहा है जो भी अब तक सीखा है। यस रोमा, किसी को कोई डाउट अब तक इन टीचिंग स्किल में? नो, ओके। अब हम यहाँ पे इनको और अच्छे से समझ लेते हैं। मॉडलिंग, कोचिंग, स्कैफोल्डिंग, ये आ जाते हैं हमारे रिसेप्टिव मीनिंगफुल लर्निंग में। रिसेप्टिव क्यों, क्योंकि यहाँ पे मेंटोर क्या कर रहा है, मेंटी को प्रोवाइड कर रहा है। यहाँ पे टू वे हो रहा है, एक सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड कर रहा है और दूसरा उस सपोर्ट सिस्टम से समझ रहा है, नॉलेज और स्किल्स को एक्वायर कर रहा है। यस करण, मॉडलिंग में क्या था, मॉडलिंग का कीवर्ड क्या था, डेमोंस्ट्रेट करना। कोचिंग का कीवर्ड क्या था, हेल्प प्रोवाइड करना। कोचिंग का कीवर्ड हमारा क्या था, हेल्प। हमारा कीवर्ड हैगा स्कैफोल्डिंग का हमारा कीवर्ड क्या है, हेल्प। और कोचिंग का कीवर्ड क्या हैगा हमारा, सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड करना। कोई भी जब हम सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड कर रहे हैं तो वो हमारा पार्ट आ जाएगा कोचिंग में। यस, मेंटल स्किल्स डेवलप करना या किसी भी रिगार्डिंग जब आपको सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा तो वो कोचिंग का पार्ट आ जाएगा। ये हमारा आता है रिसिप्टफुल मीनिंगफुल लर्निंग में। क्यों, क्योंकि यहाँ पे टू वे कम्युनिकेशन हो रही है, मेंटोर आपको समझा रहा है और मेंटी कौन है, जो समझ रहा है उस पार्ट को। यस रोशनी, नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे मेटाकॉग्निशन की, जो हमारा नेक्स्ट स्टेप आ जा रहा है इसमें। नेक्स्ट हमारा आता है मेटाकॉग्निशन। मेटाकॉग्निशन में क्या आ गया, आर्टिकुलेशन एंड रिफ्लेक्शन। यहाँ पे ये क्यों आया, क्योंकि मेटाकॉग्निशन चल रहा है, यहाँ पे हमारा थिंकिंग प्रोसेस चल रहा है, थिंकिंग प्रोसेस यहाँ पे एक्टिव हो गया, इसलिए मेटाकॉग्निशन आ गया। मेटाकॉग्निशन हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि थिंकिंग बियॉन्ड द थिंकिंग, मतलब जो भी हम सोच रहे हैं उसको डीप में और अच्छे तरीके से सोचना। आर्टिकुलेशन क्या है, जो भी हमने अब तक सीखा था उसको अपने वर्ड्स के थ्रू बता रहे हैं, ठीक है, प्रोसेस हो रहा है। रिफ्लेक्शन क्या है, जब हम अपने बिहेवियर में भी उसको शो कर रहे हैं, जो भी अब तक हमने प्रोसेस सीखा था उसको कंपेयर कर पा रहे हैं, उसको समझ पा रहे हैं। नेक्स्ट हमारा आता है एप्लीकेशन ट्रांसफ़र। अब तक जो हमने सीखा था उसका ट्रांसफ़र आ रहा है, जो स्किल्स हमने सीखी उसको क्या कर पा रहे हैं, अप्लाई कर पा रहे हैं। न्यू नॉलेज के बेस पे क्या हो रहा है, अप्लाई कर पा रहे हैं, अप्लाई का प्रोसेस आ गया।
वो आता है हमारा एक्सप्लोरेशन में, कोई नई चीज़ सीख ली, न्यू नॉलेज को बिल्ड कर लिया, या कंपैरिजन आ गया, नए टास्क को कवर कर लिया, ये सब हमारा आ जाता है एक्सप्लोरेशन में। यस रोशनी, एक्सप्लोरेशन में न्यू नॉलेज को भी काउंट कर सकते हैं। एनी डाउट एनीवन? नो करण, ओके। वीडियो को लाइक कर दें सभी और चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें अगर आप न्यू चैनल पे हैं तो। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो गोल क्या है कॉग्निटिव अपेरेंटिनशिप थ्योरी के, ये क्यों आई, तो इसके गोल क्या आएंगे कि थिंकिंग प्रोसेस में लर्नर को क्या करना, एक्टिव करना और एक्टिविटी विजिबल करना। एक्टिविटी विजिबल कौन सी, अब तक जो भी हम सोच रहे थे उसको कैसे एक्शन में लाना है, एक्शन इस पर आ गया कि एक्शन में कैसे आएगा। सिर्फ ऐसा नहीं है सिर्फ हम सोच रहे हैं, हमें उसे एक्शन में लाना है, अपने बिहेवियर में दिखाना है, ये आएगा कॉग्निटिव अपेरेंटिनशिप मॉडल में। बेसिकली बात करते हैं कि प्रैक्टिकल स्किल्स जो भी हमने सीखी है उनको कैसे अप्लाई करना है रेगुलर लाइफ में। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो एम्प्लॉय मेथड ऑफ ट्रेडिशनल अपेरेंटिनशिप, जो भी अब तक हमने सीखे थे उनको कैसे मैनेज करना है, मैनेजिंग स्किल्स भी आ गई। थर्ड अगर हम बात करें तो गाइड क्या करता है, स्टूडेंट लर्निंग को इफेक्टिव बनाता है, प्रभावी ढंग से सीखने के लिए बेटर अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड करता है। थैंक यू करण। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इसमें क्या है, कॉग्निटिव और मेटाकॉग्निटिव स्किल्स की बात हो जाती है, ज्ञान के मेटाकॉग्निशन कौशल और संज्ञानात्मक कौशलों की बात हो जाती है कि अगर हम किसी चीज़ को अपने माइंड में सोच रहे हैं तो कैसे किसी प्रॉब्लम को अलग अलग पर्सपेक्टिव से सोच सकते हैं, उसकी थिंकिंग को और डीप करना, ये सब कुछ आ जाता है कॉग्निटिव अपेरेंटिनशिप के गोल के अंदर। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो डेमोन्स्ट्रेट करना स्ट्रैटेजीज ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग, अगर कोई प्रॉब्लम आई है, कोई समस्या आई है आपके सामने तो उसके रिगार्डिंग कैसे आपको डिफरेंट डिफरेंट वेज में सोचना है, अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसके कितने डिफरेंट टाइप के सॉल्यूशन हो सकते हैं, ये भी कॉग्निटिव अपेरेंटिनशिप का एक गोल था। रिफ्लेक्टिव थिंकिंग को प्रमोट करना, चिंतनशील सोच को बढ़ावा देना, ये भी इसी का एक गोल था। अब तक इसके गोल में किसी को भी कोई डाउट है? यस, रिफ्लेक्टिव थिंकिंग को प्रमोट करना। यस रोमा। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इसके स्टेप क्या हैं, ये मॉडल इतना सक्सेसफुल हुआ इसके क्या स्टेजेस थी, इसकी तीन स्टेजेस थी जो कि इस मॉडल को सबसे अलग बनाती है। संज्ञानात्मक प्रशिक्षणता के तीन चरण हैं, कॉग्निटिव स्टेज, ऑटोनॉमस स्टेज और एसोसिएटिव स्टेज। संज्ञानात्मक चरण, स्वायत्ता चरण और सहचार्य चरण, इन सारे स्टेप को अभी हम अच्छे से डिस्कवर करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो कॉग्निटिव स्टेज में हम क्या बात करते हैं, जैसे कि हम इसके नाम से ही समझ पा रहे हैं, कॉग्निटिव क्या था हमारा, कॉग्निटिव क्या है, एक मेंटल स्टेज है जिसमें हम किसके बारे में बात करते हैं, थिंकिंग के बारे में बात करते हैं, कैसे डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस से थिंकिंग करनी है, मेटाकॉग्निशन की बात करते हैं, मतलब नॉलेज रिगार्डिंग जो भी बात होगी वो बारी आ जाएगी कॉग्निटिव स्टेज में। यस रोमा। तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग किसी भी टॉपिक की अगर हमें समझनी है या उसकी स्किल्स के बारे में समझना है या एक्वायर करना है, कैसे हम एक्वायर कर सकते हैं नॉलेज को, कैसे समझ सकते हैं, तो वो सब आ जाएगा हमारा कॉग्निटिव स्टेज के अंदर। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हमारा सेकेंड स्टेज आता है एसोसिएटिव स्टेज, सहचार्य चरण। सहचार्य चरण में क्या आता है हमारे पास, एलिमिनेशन द करेक्ट मिस्टेक, जो भी हम रॉन्ग मिस्टेक्स होती हैं उनको करेक्ट करने लगते हैं मिस्टेक्स को अपनी। फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई बुक पढ़ना शुरू किया, किसी छोटे बच्चे ने बुक पढ़ना शुरू किया, तो उसकी कॉग्निटिव स्टेज में क्या आ रहा था कि वर्ड्स को कैसे प्रोनाउंस करना है, वर्ड्स के रिगार्डिंग वो सोच रहा था अब तक, है ना। लेकिन अगर वो सेकेंड स्टेज में आ गया और किसी वर्ड्स को वो गलत पढ़ रहा है, तो वहाँ पे वो मेंटर उसको क्या प्रोवाइड कर रहा है, सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है और उस वर्ड की करेक्शन बता रहा है। तो धीरे धीरे एक स्टेज आएगा जहाँ पे वो अपनी करेक्ट जो भी मिस्टेक्स होंगी ना उनको करेक्ट करने लगेगा अपनी मिस्टेक्स के रिगार्डिंग, और जो अगर पहले किसी शब्द को उसने गलत पढ़ा है तो उसको वो करेक्ट करके पढ़ने लगेगा। और अगर प्रीवियस फेज में अब तक इसमें कोई भी गलती की है तो उसको ठीक करने लगेगा। नेक्स्ट अगर हम फाइनल स्टेज की बात करें तो फाइनल स्टेज हमारी आती है ऑटोनॉमस स्टेज। ऑटोनॉमस स्टेज में क्या होता है, स्वायत्त चरण में अगर बच्चे ने अच्छे से, अभी हम बुक रीडिंग की बात कर रहे थे, अगर बच्चे ने बुक रीडिंग सीख लिया है तो वो क्या करेगा, खुद से अच्छे से रिपीट कर पाएगा, नए सेंटेंस फॉर्मुलेशन कर पाएगा, मतलब अब उसे सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है, किसी के मेंटर आएगा उसको सपोर्ट प्रोवाइड कराएगा, करेक्ट वर्ड बताएगा तो वो समझ पाएगा, नहीं ऑटोनॉमस का मतलब यस यस रोमा सेल्फ, अब वो सेल्फ हेल्प ले पाएगा। यही आएगा कि जब परफेक्शन की तरफ जाने लगेगा, जब स्किल्स
समझने लगेगा तो वो खुद कर पाएगा सारे कामों को। इस कौशल में निखरना शामिल हो जाता है। अब वो एकदम सही कदम की ओर बढ़ने लगता है, अपनी गलतियों को सुधार लेता है। ऑटोनोमस स्टेज आ जाती है, स्वयं से कार्य करने लगता है, सेल्फ इनिशिएटिव लेने लगता है। यस यस रोशनी, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ट्रेडिशनल अपेरेंटिनशिप क्या था, उसके बाद हम जानेंगे कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है कॉग्निटिव और ट्रेडिशनल में। अगर हम बात करें ट्रेडिशनल अपेरेंटिनशिप थ्योरी की, तो ये फोकस किस पे करती थी, ये फोकस करती थी स्किल टाइप पे। ये किस पे फोकस करती थी, साइकोमोटर डोमेन। साइकोमोटर डोमेन हमारे किस पे बात करते हैं कि हैंड की स्किल पे बेस्ड है, हैंड वर्क को प्रमोट करना है, मतलब फिजिकल टास्क ज़्यादा होने चाहिए। और ट्रेडिशनल अपेरेंटिनशिप में किस पे बात की जाती थी कि आप किसी काम को कैसे करते हैं, कि टास्क को कितने अच्छे से सीख रहे हैं, या टास्क बेस्ड होता था यहाँ पे पूरी तरह से। जब भी कोई आप काम सीख रहे हैं तो वो कितना इस दुनिया के लिए काम में है, ये रहा ना, दुनिया के लिए कितने अच्छे से काम में आ रहा है, या कैसे टास्क आप कर पा रहे हैं, कैसे किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे, ये पूरी तरह साइकोमोटर डोमेन पर काम करता था और हैंड नॉलेज पे ज़्यादा बेस करता था, हैंड स्किल्स को ज़्यादा प्रमोट करता था। हाँ, ये ओल्ड थ्योरी कुछ नहीं होता करण, ये ट्रेडिशनल हैगा, ट्रेडिशनल अपेरेंटिनशिप। और अभी हम बात करेंगे कॉग्निटिव अपेरेंटिनशिप पे। यस यस रोमा, हार्ड वर्क पे फोकस करता था हमारा ट्रेडिशनल अपेरेंटिनशिप। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यस करण, कॉग्निटिव अपेरेंटिनशिप। तो कॉग्निटिव अपेरेंटिनशिप में क्या लगाया, कॉग्निटिव अपेरेंटिनशिप जहाँ पे ट्रेडिशनल हमारे साइकोमोटर डोमेन पे बात कर रहा था, तो ये यहाँ किस पे बात करने लग गए, ये हमारे अफेक्टिव डोमेन की भी बात करने लग गया। अफेक्टिव डोमेन प्लस कॉग्निटिव डोमेन दोनों की बात करने लग गया कि किसी भी चीज़ को हम कैसे कॉग्निटिवली सॉल्व करें, और अफेक्टिव डोमेन की भी सारे इसके स्टेजेस इसमें शामिल हो जाएंगे। किसी भी प्रॉब्लम, जब भी कोई प्रॉब्लम हमारे सामने आ रही है तो हम उसको कैसे डील करें, ये टास्क बेस के साथ साथ लर्निंग भी थी कि कैसे हम किसी चीज़ को कैसे सीखते हैं। जैसे NEP में भी, अभी NEP 2020 में भी है ना एक चैप्टर, हाउ वी लर्न, कैसे हम सीख रहे हैं, हाउ वी लर्न, ऐसे ही इसमें भी हैगा कि कैसे आप किसी चीज़ को अच्छे ढंग से कर रहे हैं, वो भी हमारा आ जाता है कॉग्निटिव अपेरेंटिनशिप में। कॉग्निटिव अपेरेंटिनशिप इसी पर फोकस करता है, अफेक्टिव पर, प्लस कैसे आप किसी चीज़ को लर्न कर रहे हैं, ये लर्निंग बेस है पूरी तरह से। और ये लर्नर की नीड के अकॉर्डिंग स्किल्स, स्किल बेस पे बात करता है कि स्किल्स को कैसे सीखना है। यस रोशनी, लर्निंग, करिकुलम, स्कूल कैनवस कैसा होगा, कॉन्टेक्स्ट कैसा होगा, ये सब कुछ स्टूडेंट के रिगार्डिंग बात करता है, कैसे हमें चेंजेस करने हैं, स्किल्स को कैसे प्रमोट करना है। अब नई NEP में भी तो बात की गई है ना कि क्लास 6 की ऑनवर्ड कोडिंग आ जाएगी, ये सब क्या है, कॉग्निटिव अपेरेंटिनशिप थ्योरी है जो अप्लाई हो रही है कि कैसे अब हमें क्या करना है, स्किल्स प्रमोट करनी है। यहाँ पे मैं स्पेस बना लेती हूँ, हमें क्या करना है, स्किल्स प्रमोट करनी है। तो स्किल बेस के रिगार्डिंग ही तो है, 6th क्लास में आप कोडिंग सीखेंगे उसी के रिगार्डिंग है सब कुछ। यस रोमा, तो अब हम डिफरेंस देख लेते हैं कि ट्रेडिशनल अपेरेंटिनशिप में क्या डिफरेंस है कॉग्निटिव के रिगार्डिंग। ठीक है, सबसे पहले हमने बात की थी कि सिंपल टास्क पे फोकस करता था, कोई भी हमारे सामने टास्क आया उसका कैसे सॉल्यूशन हो सकता है, तो सिंपल टास्क पे फोकस कर रहा है। प्लस हमने अभी एक नया वर्ड पढ़ा था ना इसी के साथ, साइकोमोटर डोमेन की बात कर रहा है ये, जबकि कॉग्निटिव अपेरेंटिनशिप किसकी बात कर रहा है, कॉग्निटिव अपेरेंटिनशिप हमारी बात कर रहा है अफेक्टिव के साथ, किसकी, अफेक्टिव के साथ कॉग्निटिव। ओके रोशनी, विजिबल नहीं है, पेन चेंज कर लेती हूँ। ओके नाउ विजिबल रोशनी, यस। तो कॉग्निटिव किसकी बात करता है, अफेक्टिव प्लस कॉग्निटिव। ट्रेडिशनल में हम किसकी बात करते हैं, फिजिकल टास्क की, प्रोसेस की, मतलब मोर देन फिजिकल टास्क, हार्ड वर्क। लेकिन कॉग्निटिव में किसकी बात करेंगे, थिंकिंग की बात करेंगे। मेटाकॉग्निशन का कॉन्सेप्ट किस में आ गया, कॉग्निटिव अपेरेंटिनशिप में आ गया कि किसी भी प्रॉब्लम आई है तो उसके बारे में कैसे डिफरेंट डिफरेंट व्यू से सोचना है, डीप थिंकिंग करनी, ये सब आ गया कॉग्निटिव अपेरेंटिनशिप में। नेक्स्ट अगर हम बात करें ट्रेडिशनल में क्या है, वन ऑन वन लर्निंग हो रही है, मतलब एक वन वन लर्निंग हो रही है, वन वे टू वन वे।
लेकिन कॉग्निटिव अपेयर इंटर्नशिप में क्या हो गया, टास्क बेस हो गया, परफॉर्मेंस आ गई, रीजनिंग आ गई, किसी किसी भी प्रॉब्लम के सोचने के लिए क्या आ गया, आपकी परफॉर्मेंस आ गई, लर्निंग बेस्ड मैथड हो गया, रीजनिंग लग रही है आपकी, थिंकिंग लगेगी, स्किल्स लगेंगी, ये सब किसका पार्ट आ गया, कॉग्निटिव अपेयर इंटर्नशिप का। यस, वन वे इन ट्रेडिशनल में। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहाँ पे लर्निंग कैसी हो रही है, मॉडलिंग से, कोचिंग से, परफॉर्मेंस से, फीडिंग परफॉर्मेंस से। लेकिन यहाँ पे चेंज क्या आ गया, यहाँ पे इनके साथ साथ क्या आ गया, आर्टिकुलेशन, रिफ्लेक्शन, एक्सप्लोरेशन। यहाँ पे आप सिर्फ किसी टास्क को परफॉर्म नहीं करोगे, आप किसी टास्क के रिगार्डिंग उसकी आपकी रिफ्लेक्शन क्या है, आपकी थिंकिंग क्या है, आप क्या एक्सप्लोर कर रहे हो, आप क्या ऐड ऑन कर रहे हो। आप जब रिसर्च करते हो तो आपसे बोलते हैं ना कि न्यू टॉपिक होना चाहिए रिसर्च का। क्यों बोलते हैं कोई भी न्यू टॉपिक होना चाहिए, वो देखना चाहते हैं कि आपका नया पर्सपेक्टिव क्या है, आप कैसे किसी चीज़ के रिगार्डिंग सोच रहे हैं, क्या आप कुछ नया ऐड ऑन कर पा रहे हैं उस नॉलेज में। तो न्यू थिंकिंग की बात आ जाती है हमारी कॉग्निटिव अपेयर इंटर्नशिप में। नेक्स्ट अगर हम बात करें ट्रेडिशनल में क्या है, जॉब डिटरमाइंड है, जो भी हमारी जॉब होगी उस रिगार्डिंग हम क्या करेंगे, अपनी स्किल्स को सीख लेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कंप्यूटर की कोई जॉब चाहिए तो आपको बेसिक कंप्यूटर आना चाहिए। लेकिन कॉग्निटिव अपेयर इंटर्नशिप में क्या है, यहाँ सिर्फ हम जॉब के लिए नहीं सीख रहे हैं, यहाँ जो हमारी लर्निंग है वो डिटरमाइन करेगी हमारे गोल को, हमारा गोल क्या है। फॉर एग्जाम्पल, अभी आप सबका गोल क्या है कि आपको GRF क्रैक करना है, तो आपका गोल है GRF, तो आपकी स्टडी कैसी है, आपकी स्टडी है GRF के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे आपकी लर्निंग कैसी हो रही है, गोल डिटरमाइंड हो रही है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ट्रेडिशनल में क्या है, जो भी हम करेंगे वो किस पे बेस होगा, फिजिकल टास्क पे बेस होगा। लेकिन हमारा ऐसा कॉग्निटिव में नहीं है। कॉग्निटिव अपेयर इंटर्नशिप क्या बोलती है, जो भी हमारी लर्निंग होगी वो किसके थ्रू होगी, अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो हम क्या एक्सटर्नलाइज कर पा रहे हैं, हम क्या अंदर से सोच रहे हैं, हम कैसे उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके सामने कोई प्रॉब्लम आई तो आप कैसे उसमें अपने माइंड से रिलेटेड मेटाकॉग्निशन थिंकिंग लगा रहे हैं, कैसे उसके डिफरेंट डिफरेंट सॉल्यूशन निकाल रहे हैं, कैसे किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर पा रहे हैं, ये सब आता है हमारा कॉग्निटिव अपेयर इंटर्नशिप थ्योरी में। यस, किसी को कोई डाउट है अभी तक कॉग्निटिव अपेयर इंटर्नशिप थ्योरी और ट्रेडिशनल अपेयर इंटर्नशिप थ्योरी के डिफरेंस में? नो, ओके। तो हम अपने क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं कि इससे रिगार्डिंग किस टाइप के PYQs आए हैं और किस तरह के क्वेश्चन अब और आ सकते हैं। तो हम एक्सपेक्टेड PYQ प्लस जो अब तक आ चुके हैं, MCQ और PYQ दोनों को देख लेते हैं। तो आर यू रेडी फॉर क्वेश्चंस? यस करण, आगे बढ़ते हैं। तो ये है कॉग्निटिव अपेयर इंटर्नशिप से रिगार्डिंग, ये क्वेश्चन हमारा आया था 6 मार्च 2023 Shift 2 में आया था। अब इसका आंसर आप सब कमेंट में बताइए। इन द प्रोसेस ऑफ ऑब्जर्वेशन स्कैफोल्डिंग इंक्रीजिंग द इंडिपेंडेंसी ऑफ प्रैक्टिस थ्रू द लर्नर कैन एडवांस थ्रू द एक्सपर्टीज। कॉग्निटिव अपेयर इंटर्नशिप अडेप्टेशन मॉडिफिकेशन और कॉन्सेप्ट मैपिंग, इसका हिंदी में ये रहा क्वेश्चन। प्रक्षेपण मचाना आधिकारिक रूप से स्वतंत्र अभ्यास की प्रक्रिया है जिसके माध्यम से एक शिक्षार्थी विशेषता की ओर अग्रसर होता है। तो वो कौन सा मॉडल है, संज्ञानात्मक शिक्षुरता, अनुकूलन, आशोधन या फिर अवधारणा मानचित्र? यस, सबका वन है। यस, इसका आंसर रहेगा संज्ञानात्मक सहिष्णुता, मतलब कॉग्निटिव अपेयर इंटर्नशिप। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या आ गया, ऑब्जर्वेशन से कोई चीज़ सीख रहे हैं, स्कैफोल्डिंग अलग रही है, ये सब अभी हमने पढ़ा था ना कि लर्नर इंडिपेंडेंस प्रैक्टिस से सीख रहा है, स्किल्स के रिगार्डिंग सीख रहा है, एक्सपर्टीज आ गया, तो ये सब क्या है हमारा कॉग्निटिव अपेयर इंटर्नशिप में आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम इससे रिगार्डिंग देखते हैं। ये क्वेश्चन आया था हमारा 6 मार्च 2023 Shift 1 में पोल साइंस की पेपर में आया था, पोल साइंस के Paper 1 का रिलेटेड। द सीक्वेंस ऑफ कॉग्निटिव अपेयर इंटर्नशिप मॉडल, अब आपको इसमें सीक्वेंस बताना है। ये रहे 4 ऑप्शन, हिंदी में ये रहा ये क्वेश्चन। संज्ञानात्मक प्रशिक्षुता मॉडल के सही अनुक्रम को पहचानिए है, ये है सही आप अनुक्रम दे रखे हैं, अब आपको बताना है आपके रिगार्डिंग इसका आंसर क्या होगा। यस, 1 होगा। प्रारूप, कोचिंग, पाठ, उच्चारण, स्पष्टता, चिंतन और अन्वेषण। यस, एब्सोल्युटली राइट रोशनी। अब हम इंग्लिश में देख लेते हैं इसको। सबसे पहले हमारा आता है मॉडलिंग, कोई भी स्किल हमारे सामने आएगी तो हमने पढ़ा था ना कैसे डेमोस्ट्रेट होगी। कोचिंग, सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा, स्कैफोल्डिंग हेल्प, आर्टिकुलेशन, रिफ्लेक्शन, हम बिहेवियर में कैसे उसको रिफ्लेक्ट कर पा रहे हैं, फिर एक्सप्लोरेशन, हम क्या न्यू चीज़ उसमें ऐड ऑन कर पा रहे हैं, कैसे न्यू वेज आ रहे हैं। तो ये हमारा सही स्टेप हैगा सीक्वेंस। ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन हैगा, आप इसको अच्छे से समझ लें और सीक्वेंस को याद कर लें।
पेपर वन की PYQ सीरीज शुरू हो गई है, प्लस हम डिटेल में हर एक कॉन्सेप्ट को कर रहे हैं। आप हमें टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप क्लासेस की अपडेट को आपको पता चल जाए वहीं से। फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं और आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। अगर आप नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें स्टडी विद प्रोफेशनल क्लासेस को, ताकि आप GRF को पा सकें, क्योंकि हम सभी PYQ को डिटेल में कर रहे हैं विद एक्सप्लेनेशन। थैंक यू।